आप देख रहे हैं सत्यम न्यूज वेब टीवी। आज सत्य सवेरा बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ नसीर कुरैशी। आइए नजर डालते हैं यूपी के भदोही जिले की अब तक की फटाफट खबरों पर। रेलवे व शिक्षक समेत केंद्र व प्रदेश सरकार की ओर से निकलने वाली विभिन्न भर्ती परीक्षा में अच्छे नंबर लाने और नौकरी दिलाने के नाम पर मोटी रकम वसूलने के मामले में आरोपित के भाई बारीपुर ग्राम प्रधान सहित दो लोगों को प्रयागराज क्राइम ब्रांच टीम ने हिरासत में लिया था, जबकि मायापति दुबे अब भी फरार है। मायापति की तलाश में ही प्रयागराज की एक टीम ने बुधवार को भदोही जिले के औराई, प्रतापगढ़ सहित कई जनपदों में ताबड़तोड़ छापेमारी की है। बता दें कि मुकदमा दर्ज होने के बाद से ही मायापति दुबे फरार है। मोबाइल स्विच ऑफ होने के कारण पुलिस उसे ट्रेस नहीं कर पा रही है। जिले में आई टीम ने मायापति दुबे के कई परिचितों और रिश्तेदारों से भी पूछताछ की है। टीम ने सख्त लहजे में चेतावनी दी है कि किसी ने भी शरण दिया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिले के एक ब्लॉक प्रमुख पर भी टीम की नजर है। सूत्रों की माने तो इस मामले में फरार आरोपी ही शिक्षक भर्ती घोटाले का मुख्य आरोपी है और घोटाले का तार भदोही जिले से गहरा जुड़ा हो सकता है। हालांकि छापेमारी को लेकर जनपद पुलिस ने अनभिज्ञता जताई है। भदोही शहर में लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ाने में कुछ दुकानदार बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसी ही एक शिकायत आज कजियाना मोहल्ले व चौरी रोड के इलेक्ट्रॉनिक दुकानों को खोलने को लेकर सामने आई थी, जहां बंदी के दिन भी इलेक्ट्रॉनिक की दुकानें खुली थी। सूत्रों की माने तो एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान का सुबह पुलिस ने चालान किया था, इसके बावजूद भी दुकानदार आराम से अपने दुकान पर बैठा रहा। दुकान खुलने की दोबारा पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस धमक पड़ी। दुकान के अंदर शारीरिक दूरी का भी पालन नहीं किया जा रहा था। कई लोग इलेक्ट्रॉनिक की दुकान से भागते नजर आए। भदोही जिले से महज 20 से 25 किलोमीटर की दूरी भदोही प्रयागराज के सीमा पर टिड्डी दलों के दस्तक से किसानों सहित कृषि विभाग के होश उड़ गए हैं। प्रयागराज भदोही जनपद सीमा के आसपास के गांव में टिड्डी दलों ने दस्तक दी है। इसको लेकर किसानों में हड़कंप मच गया है। कृषि विभाग ने भी अलर्ट जारी करते हुए किसानों को सावधान किया है। बता दें कि यह टिड्डी दल फसलों सहित पेड़ों पर भी हमला कर हरियाली साफ कर देते हैं। इस संबंध में कृषि सलाहकार डॉक्टर रामेश्वर सिंह से सत्यम न्यूज ने बातचीत की। सुनिए क्या है उनकी किसानों के लिए सलाह। बचाव के लिए ये है कि इनका दल जैसे ही दिखाई दे आप ढोल नगाड़ा थाली डब्बा खेत में खूब पीटिए, ये लोग आगे चले जाएंगे। अच्छा। और यहाँ तो अगर बैठ गए खेत में तो रात को 9 बजे से लेकर 7 बजे तक ये लोग रहते हैं। अच्छा। हाँ, इसी समय दवा का छिड़काव किया जाएगा तो कारगर हो गया होगा, नहीं अच्छा। तो दिन में ये लोग छिड़काव करेंगे तो मिलेगा ही नहीं। ये लोग पत्ता भी खाते हैं, रात में ही हमला भी करते हैं। भदोही जिले के गोपीगंज कोतवाली इलाके के अमुआ माफी गांव में बड़ा हादसा हुआ, जहां हाई टेंशन विद्युत तार की जद में हैंड पंप बोरिंग करने वाले 8 मजदूर आ गए। यह सभी मजदूर जख्मी हो गए। हादसे से गांव में हड़कंप मच गया। बताया जाता है कि यादव बस्ती के राजेंद्र यादव नामक व्यक्ति का समरसेबल खराब हो गया था। इसी को ठीक कराने के लिए हैंड पंप मैकेनिक व मजदूर बुलाए गए थे। बोरिंग की पाइप, लोहे की पाइप सभी मजदूर बाहर खींच रहे थे, तभी ऊपर से गए हाई टेंशन विद्युत तार से लोहे की पाइप स्पर्श कर गई, जिससे राजबहादुर यादव, विनोद कुमार यादव, घनश्याम यादव, अशोक प्रजापति, कृष्णा यादव, धर्मेंद्र यादव, दिनेश यादव, मनोज यादव नामक मजदूर जख्मी हो गए। हादसे से गांव में हड़कंप मच गया। सभी को आनंद फानन में उपचार लिए ले जाया गया, जहां सभी की हालत खतरे से बाहर बताई गई। कालीन नगरी भदोही में भीषण गर्मी व तपती धूप ने सभी को बेहाल कर रखा है। जून का महीना है, आसमान से मानो आग बरस रही है। सुबह से ही सूर्य के ताप से हर कोई बेहाल उठ रहा है। इस भीषण गर्मी में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था भी पूरी तरह बदहाल हो गई है। चीनी वायरस के चलते वैसे भी सड़कों पर लोग कम ही निकल रहे हैं। तमाम दुकानें भी भरपूर नहीं खुल रही हैं, लेकिन जो दुकानें खुल भी रही हैं
तो तेज धूप के कारण ग्राहक दुकानों तक नहीं पहुंच रहे हैं। इस प्रचंड गर्मी में लोगों को हाथ पंखा झलते देखा जा रहा है। भदोही शहर कोतवाली इलाके के नई बाजार पुलिस चौकी अंतर्गत गुलौरा मोहल्ला निवासी संतोष सिंह नामक व्यक्ति ने मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल पर एक शिकायत भेजकर अपने पड़ोसी नवल सिंह, छोटेलाल, लल्लू, पवन पर जान से मार देने की धमकी का आरोप लगाया है। भेजे गए शिकायती पत्र में पीड़ित संतोष सिंह ने बताया कि पिछले माह उसके दरवाजे पर चढ़कर मारपीट कर घायल कर दिया गया था। इसकी शिकायत उसने कोतवाली पुलिस से की थी। मामले में पुलिस ने NCR भी दर्ज किया है। आरोप है कि तभी से विपक्षियों द्वारा लगातार तरह तरह की धमकी दी जा रही है, जिससे पीड़ित संतोष सिंह का परिवार खौफ में जी रहा है। मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल पर पत्र भेजकर न्याय की गुहार लगाई है। घर से निकले एक युवक का शव गांव के ही करीब एक तालाब के समीप पेड़ पर लटका पाया गया। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। मामला गोपीगंज इलाके के कारी गांव जजापुर का है, जहां ध्रुव कुमार यादव का पुत्र विजय कुमार यादव, जिसकी उम्र 23 वर्ष बताई गई है, घर से निकला था। परिजनों ने काफी खोजबीन की, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। ध्रुव कुमार यादव के घर से लगभग 1 किलोमीटर दूर तालाब के समीप एक पेड़ पर युवक का शव लटका हुआ पाया गया। शव पाए जाने से गांव में हड़कंप मच गया। पेड़ के ही समीप शराब की शीशी, गिलास, नमकीन व एक ब्लड बरामद होना बताया गया है। इसी को आधार बताकर परिजनों ने युवक के हत्या की आशंका जताई है। मृतक विजय की बहन का 14 तारीख को शादी है। अब इस हादसे से शादी की खुशियां गम में बदल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। गोपीगंज से मोहम्मद हनीफ की रिपोर्ट। घर की साफ सफाई कर रही एक महिला कूलर की जद में आने से उसकी मौत हो गई। मौत से परिजनों में हाहाकार मच गया। मामला गोपीगंज थाना क्षेत्र के दानूपुर मार्ग स्थित तुरंतपुर गांव का बताया गया है, जहां पूर्व प्रधान विनोद चौरसिया की 48 वर्षीय पत्नी शकुंतला देवी घर की साफ सफाई कर रही थी। कूलर में करंट उतर जाने से विवाहिता कूलर की चपेट में आ गई। हादसे के वक्त महिला घर में अकेली थी, जिससे कुछ पता नहीं चल सका। काफी देर बाद जब परिजन पहुंचे तो नजारा देख दंग रह गए। परिजनों ने इसकी सूचना कोतवाली पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। भदोही जिले के जवाहर नवोदय विद्यालय के शिक्षक का साइबर अपराधियों ने 5,60,000 रुपया उड़ा दिया। बताया जाता है कि शिक्षक के मोबाइल पर KYC जमा करने के लिए एक फोन आया। फोन करने वाला खुद को बैंक का कर्मी बताते हुए यूजर आईडी और पासवर्ड मांग लिया। जैसे ही शिक्षक ने यूजर आईडी व पासवर्ड दिया, तभी 20 मिनट में आधा दर्जन बार ऑनलाइन खरीदारी कर शिक्षक के खाते से साइबर अपराधियों ने 5,60,000 रुपया उड़ा दिया। शिक्षक ने इसकी शिकायत ज्ञानपुर कोतवाली में की है। जिले के कांग्रेसियों ने ज्ञानपुर के दुर्गागंज तिराहे पर दुकानदारों व राहगीरों के बीच मास्क का वितरण किया। मास्क वितरण कर रहे कांग्रेसियों ने कहा कि पार्टी के निर्देश पर कार्यकर्ता इस बीमारी के बीच मास्क व अन्य सुरक्षा सामानों का वितरण कर रहे हैं। इस मौके पर सत्येंद्र प्रकाश तिवारी, रविशंकर यादव, वसीम अंसारी आदि कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। भदोही नगर पालिका के पूर्व नामी सभासद व सपा नेता राजकुमार यादव ने महामहिम राज्यपाल को एक पत्र भेजा है। भेजे गए पत्र में सपा नेता ने ब्लॉक स्तर व ग्रामीण अंचलों में जो भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, उसे जरूरी उपकरण देकर सुसज्जित करने के साथ ही साथ जनपद में निर्माणाधीन 100 शैया संयुक्त चिकित्सालय व भदोही शहर के स्टेशन रोड महाराजा बलवंत सिंह राजकीय चिकित्सालय के अंदर 100 बेड का बनकर तैयार हॉस्पिटल को चालू कराए जाने की मांग की है। भदोही शहर कोतवाली इलाके के जमनीपुर कॉलोनी में उस वक्त अफरा तफरी मच गई और यूपी डायल 112 पुलिस को पहुंचना पड़ा, जब एक कोल्ड ड्रिंक विक्रेता जमनीपुर कॉलोनी के एक दुकानदार को जबरदस्ती लीकेज बोतल थमा रहा था। दुकानदार ने जब लीकेज कोल्ड ड्रिंक का बोतल लेने से इनकार कर दिया, तो कोल्ड ड्रिंक संचालक हाथापाई व गाली गलौज पर उतर आया। दुकानदार ने इसकी सूचना यूपी डायल 112 को दी, जहां मामले में समझौता कराते हुए रफा दफा करा दिया गया।
बैंकों में सुरक्षा इंतजामों सहित शारीरिक दूरी का पालन कराने के लिए ज्ञानपुर पुलिस ने जांच अभियान चलाया। बताया तो यहां तक जाता है कि गत दिनों किसी खाता धारक का बैंक से ही पैसा गायब हो गया था। इसी को लेकर ज्ञानपुर पुलिस ने SBI बैंक सहित अन्य बैंकों में जांच पड़ताल की, साथ ही बेवजह बैंकों के अंदर घूम रहे लोगों को चेताया। साथ ही बैंक कर्मियों को हिदायत दी कि बैंक के अंदर कोई भी बेवजह घूमता दिखाई पड़े तो उसे तुरंत बाहर करें, न मानने पर बैंकों के बाहर लगे सुरक्षा कर्मियों को सूचना दें। यूपी के भदोही जिले की खबरों में आज बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे द्वारा दिखाए गए किसी भी खबर से संबंधित आप अपना सुझाव हमें नीचे दिए गए नंबरों पर भेज सकते हैं। साथ ही आप अपने आसपास की खबरों से भी हमें अवगत करा सकते हैं। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।